हेलो दोस्तों, अभी मैं ऐसे दो स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ जिसको दोस्तों खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, एक है अशोक लेवलैंड, एक है मदरसन सुमी। आपको तो पता ही है दोस्तों, अशोक लेवलैंड कैसा कंपनी, कितनी बड़ी और अच्छी कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, और मदरसन सुमी दोस्तों ये भी आपको पता है, ये भी ग्लोबल वर्ल्ड वाइड भी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसका जो बिजनेस है स्केलअप किया हुआ। ठीक है, अब दोस्तों दोनों एक ही रेंज में मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, दोनों एक ही रेंज में मिल रहे हैं। ठीक है, पहला जो अशोक लेलैंड है दोस्तों, ये 100 रुपीज़ का हुआ करता था, फिर 80-90 के आसपास आया दोस्तों। ठीक है, 80-90 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया, फिर से ये 60 के लेवल में आ चुका है दोस्तों। ये अशोक लेलैंड को मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये 60 का लेवल कभी भी नहीं तोड़ा है। और ये दोस्तों लास्ट टाइम जब दोस्तों 60 रुपीज़ के आसपास आया था, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 60 रुपीज़ के आसपास ये आया था, तो दोस्तों उसके बाद बहुत बड़ा बाउंस बैक लिया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट बनाया था दोस्तों 60 के आसपास। ठीक है, 50-60 के आसपास, और उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा गया। अब लेकिन दोस्तों ये जो है कप एंड हैंडल चार्ट बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कप एंड हैंडल चार्ट बना रहा है, और फिर से दोस्तों ये जो है आ चुका है, कौन से रेंज पर आ चुका है दोस्तों, ये जो है अब उससे भी लोअर लेवल को टच किया दोस्तों। मतलब कि इसका जो बॉटम था उसको इसने तोड़ दिया है बॉटम को, और बॉटम को तोड़ने के बाद नया बॉटम बना लिया है दोस्तों। ये है नया बॉटम, और दोस्तों अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 66 रुपीज़ के आसपास है। तो हमें क्या सोचना चाहिए दोस्तों, मदरसन सुमी को खरीदना चाहिए या अशोक लेलैंड, क्योंकि मदरसन सुमी इससे भी मतलब बहुत हाई प्राइस में था। तो अगर हम मदरसन सुमी के चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो दोस्तों ये भी सेम कप एंड हैंडल चार्ट बनाया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, सेम इसने भी कप एंड हैंडल चार्ट बनाया। लास्ट टाइम जो दोस्तों इसने सपोर्ट बनाया था उसको इसने जो है क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ये जो है नया सपोर्ट लेवल बनाया है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, नीचे में ये जो है नया सपोर्ट लेवल बनाया है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट टाइम जो इसका था दोस्तों 90 रुपीज़ के आसपास ये लोएस्ट बनाया था, अभी इसने जो है लोएस्ट बना दिया है दोस्तों 50 रुपीज़। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि दोस्तों ये अनएक्सपेक्टेड, यहां तक नहीं आना चाहिए। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। देखिए, जब भी स्टॉक कोई कप एंड हैंडल चार्ट बना के डाउन जाता है, तो दोस्तों वो स्टॉक का प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला रहता है। लेकिन मैं आपको अभी बोलूंगा कि अगर आप ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है, ठीक है, निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है, तो अगर एक सप्ते और गिरावट रहा दोस्तों कंटिन्यू निफ्टी में, ठीक है, ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12,500 को टच करने के बाद इसने दोस्तों 8,500 को टच कर दिया। तो अगर मार्केट और भी गिरता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, 8,500 को तोड़ के 7,000 के आसपास आता है, ठीक है, ये लेवल पर आता है 7,000 के आसपास, तो दोस्तों दोनों स्टॉक में, मदरसन सुमी और अशोक लेवलैंड, दोनों स्टॉक में गिरावट देखा जाएगा अगर गिरावट होगा तो। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही दोस्तों मार्केट इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा, मतलब कि दोस्तों मार्केट अगर एक बॉटम बना दिया, जैसे कि निफ्टी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दोस्तों, अगर ये दोस्तों मार्केट ऐसे ऐसे करके बॉटम बना दिया और ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तब ये दोनों स्टॉक में आपको जो है फोकस करना है दोस्तों। एक है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अशोक लेलैंड, और दूसरा है मदरसन सुमी। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है, मतलब ये प्राइस कभी आना नहीं चाहिए था लेकिन आ चुका है। आपको पता है दोस्तों, अशोक बहुत बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बसेस बनाती है और डिफेंस सेक्टर में इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंपनी है दोस्तों जो डिफेंस में गवर्नमेंट के साथ इंगेज है, लेकिन वैसे स्टॉक को गिरावट आ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर खरीदारी करना चाहते हो तो मार्केट जब दोस्तों बॉटम बना देगा, तो उस टाइम आपको देख लो यहाँ पर कौन से स्टॉक है भाई। तो पहला जो स्टॉक है वो अशोक लेलैंड, इसको खरीदारी कर सकते हो, और दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी, दोनों स्टॉक को आप खरीद सकते हो और आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो भाई, छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है दोस्तों, दोनों मैं ये दोनों स्टॉक क्यों लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, यही दोनों मैंने स्टॉक क्यों चूज़ किया दोस्तों, इसलिए मैंने चूज़ किया, दोनों का बिहेवियर पैटर्न एक ही है, दोनों का बिहेवियर पैटर्न एक ही है। देखिए, जब कंज्यूमर को इफ़ेक्ट पड़ता है, तो दोस्तों जो कंज्यूमर को इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जो बायर है सेलर है दोनों को इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पापा जो खरीद के लाते हैं कुछ भी, तो वो कस्टमर है, आप घर में खा
चाहते हो तो आप कंज्यूमर हैं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने बेचा वो सेलर है। अगर आप बोल दोगे कि भाई आपने जो ये प्रोडक्ट लाया है मुझे अच्छा नहीं है, तो आपके पापा खरीदेंगे नहीं। जब आपके पापा या पेरेंट्स जो भी नहीं खरीदेंगे तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस मॉडल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेल्स उसका डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये दोनों स्टॉक में बिहेवियर पैटर्न जो है सेम देखा जा रहा है। अगर मदरसन सुमी का हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देख लो, मदरसन सुमी जो है एक कप एंड हैंडल चार्ट बनाया। कप एंड हैंडल चार्ट बनाने के बाद यहाँ देखिए गिरावट हुआ और जो लास्ट यहाँ जो लोअर बॉटम था उसको भी तोड़ दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई मैं तो लॉन्ग से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि ना ही डिविडेंड देंगे, ना ही बोनस देंगे, ना ही स्टॉक स्प्लिट होगा। तो ये स्टॉक में आप छोटा मोटा जो है प्रॉफिट करने के लिए, मतलब कि एक छोटे मोटे समय के लिए, समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए मत खरीदेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, 2 साल 5 साल ऐसे करके खरीदते हैं, तो भाई उतना लंबा ये स्टॉक मतलब मत खरीदो, ठीक है। क्योंकि ऑटो सेक्टर एक तरह से बीमारी है लोगों के लिए, जितने भी आप देख रहे हो दोस्तों, ऑटो सेक्टर से पॉल्यूशन होता है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो ऐसे जो है साइड इफेक्ट होता है, टायर्स है उसको हम फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते, बहुत ऐसे चीज़ है, ठीक है। आप देख रहे हो जितना एक रोड क्रॉस करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा अगर एक अच्छे हाईवे रोड पे चले गए तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो इंसान को प्रॉब्लम होता ही जा रहा है, कोई दोस्तों कंज्यूमर सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं ला पा रहा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को खरीदना सही नहीं है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट मिलता है तो भाई छोड़ना नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप दोनों स्टॉक पर फोकस कर सकते हो भाई, ठीक है। अभी लेकिन जब निफ्टी गिरेगा तो ये दोनों गिर जाएगा, ठीक है। जब निफ्टी गिरेगा तो ये दोनों स्टॉक गिर जाएगा, तो अभी नहीं खरीदना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग, मैं इसलिए ये स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुका है दोनों, और लोग खरीदने के लिए क्यूरियस है, तो मैं बताना चाहता हूँ सही टाइम नहीं है, जब मार्केट सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट मंथ है भाई, रुक जाओ, मार्च के महीने में रुक जा, और मार्केट जो रिकवरी दिखा रहा है वो सही नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता था, अगर आप ये स्टॉक खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने से पैसा नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों इम्प्रूवमेंट, इंकरेजमेंट और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।